हेलो भैया, स्वागत है आपका फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो है वो PFMS में एक नया अपडेट आया है और उस अपडेट में कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर तक, यानी 1 अक्टूबर तक आप अपने मोबाइल और ईमेल आईडी का अपडेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कि PFMS में आप अगर DA हैं, DO हैं, तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट अवश्य कर लीजिए। तो उसमें समस्या ये आ रही है कि पहले जो अपडेशन होता था वो अपडेशन होता था एडमिन के आईडी से। तो एडमिन के आईडी में क्या किया गया है कि अभी यूजर को डिसेबल कर दिया गया है, वहाँ पे अपडेशन का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यूजर के पास ये समस्या आ रही है कि आखिरकार जो मैसेज फ्लैश हो रहा है उस मैसेज को निराकरण करने का उपाय क्या है। तो उसी मैसेज के निराकरण के उपाय को लेकर के हम इस वीडियो में आए हैं, ताकि आपकी जो घबराहट है, आपकी जो समस्या है, वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो इस वीडियो में 1 मिनट आप बने रहिए, आपका समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और सबसे पहले जो अनुरोध हमेशा रहता है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सेट कर लीजिए, और ऑल पर सेट करके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते दूसरे को भी भेज दीजिए। तो चलिए बताते हैं आपको कि PFMS जैसे आप लॉगिन कर रहे हैं, DA हो या DO हो, दोनों लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको उसमें एक जो लाइन दिखता है मेनू का, उस मेनू के लाइन में एक ऑप्शन आपको मिलेगा माई डिटेल्स। माई डिटेल्स को जैसे ही क्लिक करिएगा आप, तो उसमें एक और मेनू खुलेगा और उसमें लिखा होगा माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल को जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो पूरा डिटेल्स आपका खुल के आ जाएगा। जब पूरा डिटेल्स आपका खुल के आएगा तो उसमें दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक ऑप्शन मिलेगा कि बैक कर ले, एक ऑप्शन मिलेगा कि एडिट कर ले। तो हमको क्या करना है, हमको करना है एडिट। हम सबसे पहले एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। एडिट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा खुल जाएगा अपडेट करने के लिए। उसमें एक समस्या आएगी आपको कि यूजर टाइप ऊपर शो नहीं करेगा। जब ऊपर यूजर टाइप नहीं शो करेगा, स्वाभाविकता है कि आपका अपडेट नहीं होगा। वो 2-3 कंडीशन में होता है। पहला कंडीशन कि संडे होगा, सैटरडे होगा या कोई हॉलीडे होगा, छुट्टी के समय में ये कार्य नहीं करता है। तो आपको उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 दिन इंतज़ार कर लेने की ज़रूरत है। अगला दिन देखिए अपडेट हो जाएगा। फिलहाल हम लोग आगे चलेंगे भी और PFMS पर देखेंगे ये सारी जो समस्या है वो कैसे कैसे हो और किस किस मेनू से आपको ये निदान होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे सीधे PFMS पर और करते हैं इसका भी निदान। जैसा कि आप देख सकते हैं हम सीधे PFMS का पेज खोल चुके हैं। तो PFMS का पेज हम लोग जो खोले हैं, ये ही मैसेज हम लोग का होम पेज पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बिफोर 1 अक्टूबर 2023, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू लॉग इन ऑन PFMS वेबसाइट, प्लीज़ इग्नोर इफ़ यू ऑलरेडी डन। अब ये कह रहा है कि आप 1 अक्टूबर के पहले अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कर लीजिए, या आप कर लीजिए हैं तो इस मैसेज को इग्नोर करिए। तो कैसे हम लोग करेंगे ये चीज़ें जानेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग को माई डिटेल्स पर आना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माई डिटेल्स दिख रहा है। माई डिटेल्स पर जैसे क्लिक करिएगा आपको एक ऑप्शन खुलेगा आगे और इसमें लिखा होगा माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करिएगा, ये मिनट का मात्र काम है, बस माई प्रोफाइल पर क्लिक करिएगा। जैसे ही माई प्रोफाइल पर क्लिक करिएगा आपका सारा प्रोफाइल खुल जाएगा। जब प्रोफाइल खुलेगा तो आपको ऐसे मिलेगा डिटेल्स। ये कहाँ मिलेगा ये जान लीजिए, ये DA और DO इसी दोनों आईडी में होगा, एडमिन में नहीं होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप DA DO दोनों को खोल करके बारी बारी से कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे ही खुलेगा आपका सारा डिटेल्स, आपको एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर जैसे क्लिक करिएगा आपको एडिट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो एडिट वाला ऑप्शन आएगा तो ऐसे देख सकते हैं, ये आज संडे है, इसी कारण से यूजर टाइप यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, इसलिए अपडेट नहीं होगा। लेकिन बाकी सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं खुला हुआ है। तो आप संडे को नहीं करके दूसरे दिन आप करिए, ये काम हो जाएगा। संडे और सैटरडे और हॉलीडे को ये कार्य नहीं होता। PFMS जो भी कार्य करता है वो हॉलीडे छोड़ करके ही काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा और आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे, मोबाइल और ईमेल आईडी सारा अपडेट आपको यहाँ से हो जाएगा। बस इतना ही सा आसान तरीका है, ये आपको DA और DO दोनों में
यही काम करना है, दोनों को बारी बारी से खोल के काम कर लेना है। ये इतना ही सा अपडेट आपको करना है, अपडेट करके छोड़ दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। उम्मीद है कि वीडियो से आपको लाभ मिला, अगर वीडियो से लाभ मिले तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर परिवार भेट के हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।